एबीसी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं शंभुनाथ तिवारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत राजी सेठ की कृति तत्सम पर बातचीत करूंगा। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप तत्सम उपन्यास के मूल तथ्य को समझ पाएंगे। उपन्यास की नायिका वसुधा की मनोवैज्ञानिक भावनात्मक स्थितियों को समझ सकेंगे। वसुधा के जीवन में आए पुरुष पात्रों को और उनके मनोविज्ञान को जान पाएंगे। विधवा होने के बाद वसुधा के भावी जीवन में आने वाली संवेदनात्मक कठिनाइयों और समस्याओं को भली तरह से समझ सकेंगे। तत्सम मूल रूप में भारतीय समाज के स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित और उस पर केंद्रित एक मर्मस्पर्शी उपन्यास है। भारतीय समाज में स्त्री जीवन से संबंधित समस्याओं के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे लिंग भेद, जन्य भ्रूण हत्या, सामाजिक गैर बराबरी और भेदभाव, शिक्षा की कमी और पिछड़ापन, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से विच्युति यानी उनको अलग कर दिया जाना, आर्थिक परनिर्भरता, कमजोर और कमतर माने जाने की प्रवृत्ति, घरेलू हिंसा का शिकार, यौन हिंसा और शोषण आदि। लेकिन राजी सेठ के इस उपन्यास की समस्या इन उपयुक्त समस्याओं से कुछ अलग हटकर है। यहाँ स्त्री समस्या की पृष्ठभूमि राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी अधिकारों की समानता या यौन वर्जनाओं के मोर्चों पर संघर्ष होने की नहीं है। तो आइए देखते हैं कि उसकी मूल विषय वस्तु क्या है। गोपाल राय ने तत्सम की समस्या पर लिखा है। तत्सम में राजी सेठ ने आधुनिक नारी के पुनर्विवाह की समस्या को गहरे संवेदनात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया। अब एक आधुनिक स्त्री के लिए पति की मृत्यु हो जाने पर पुनर्विवाह कोई समस्या नहीं है, परंतु एक संवेदनशील स्त्री के लिए द्वितीय सहयात्री या पति के चुनाव का प्रश्न मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उतना आसान भी नहीं। राजी सेठ ने पुनर्विवाह की समस्या को इसी मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र वसुधा परंपरागत संस्कारों के दबाव और अपनी मानसिकता के भंवर में इस प्रकार दबी उलझी है, वह अपने भावी जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाती। अपने दिवंगत पति निखिल की स्मृतियों से अपने को पूरी तरह से काट कर किसी और के साथ जुड़ने की संभावना उसकी मानसिक बेचैनी और पीड़ा का प्रमुख कारण है। यह संघर्ष परंपरागत संस्कार और नैतिकता को लेकर उतना नहीं है जितना निखिल के साथ उसके गहरे भावनात्मक संबंध को लेकर है। निखिल की मृत्यु के बाद वसुधा विवेक और आनंद से भावनात्मक रूप में जुड़ती है और अंततः आनंद को अपने जीवन साथी के रूप में ग्रहण करने का विकल्प चुनती है। इस निश्चय पर पहुंचने में वसुधा को जिन मानसिक संघर्ष और संवेदनाओं उद्वेलन से गुजरना पड़ता है उसका बड़ा ही प्रभाव उत्पादक बनकर तत्सम में हुआ है। स्पष्ट है कि इस उपन्यास में भारतीय समाज के उस भयावहपूर्ण यथार्थ का वर्णन नहीं किया गया है जिसके कारण आम स्त्रियों को अपने जीवन में प्राय नारकीय जल्पनाएं भुगतनी पड़ती है। उपन्यास की नायिका वसुधा आर्थिक रूप से निर्भर है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय की शिक्षिका है। उसके सामने पति के जीवित न रहने पर जीविका संबंधी या कोई आर्थिक तंगी का संकट भी नहीं। परिणामतः आर्थिक मोर्चे पर निर्भर स्त्री के सम्मुख आने वाले शोषण की अमानसिक समस्याओं से वह मुक्त है। इसी प्रकार पति की मृत्यु के बाद वह एक असहाय स्त्री के सम्मुख आने वाली सामाजिक असुरक्षा की विकट स्थितियों से भी वह नहीं गुजरती। वह एक अच्छे परिवार से संबद्ध है और एक विधवा के रूप में अपने भाई शरद और भाभी के घर में सुरक्षित है। उस पर जबरिया बुरी दृष्टि डालने वाला कोई दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, उसकी कमाई को भी छीनने वाला कोई नहीं। कहने का भाव यह है कि इस उपन्यास में अपने यौवन अवस्था में ही वैधव्य को प्राप्त एक सुंदर और अकेली स्त्री को
अमूमन जिन कट सामाजिक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है उसका वर्णन करना यहाँ लेखिका का दृष्टि नहीं। वसुधा के माध्यम से समाज में निहित विधवा स्त्री की समस्याओं को दिखाने के स्थान पर वह किसी एक के प्रति पूर्णतः समर्पित और संवेदनशील स्त्री की हृदयगत वेदना को उकेरने में ज्यादा दिलचस्पी लेती है। उपन्यास के फ्लैग पर अगर देखें तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा कि वरिष्ठ लेखिका रागी सेठ का तत्सम अंतरंग के संसार में चल रही उथल पुथल को पकड़ने का उपन्यास है, लेकिन वह मनोविज्ञान की सुलभ बैसाखी पर नहीं चलता। वे जिंदगी को फलसफाई अंदाज में देखती है लेकिन फलसफा का घटाटोप नहीं खड़ा करते। वहीं पर उल्लिखित है कि संशय और द्वंद में घिरी वसुधा अपने स्वत्व पर बल देने की शक्ति को फिर से पाती है। यहाँ मनोवैज्ञानिक की बैसाखी और फलसफा का घटाटोप से मुक्ति के आग्रह के साथ स्वत्व पर बल देने की बात दिखाई देती है। स्वत्व पर बल देने का तात्पर्य यह है कि वसुधा को स्वयं पर पूरा विश्वास है। वह अपने निर्णय के अधिकार को अक्षुण रखती है। भाई के यह किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव में न आकर अपने मन के अनुरूप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का उसका आग्रह उसकी अस्मिता और अस्तित्व को बनाए रखती है। यहाँ उसका चित्र एक आधुनिक और बौद्धिक रूप से दृढ़ स्त्री के रूप में निखर कर सामने आता है। वह प्रारंभ से ही अपने स्व को बचाए रखती है, परंतु ऐसा करते हुए लेखिका ने उसे मनोविश्लेषणवादी वैयक्तिक कुंठाओं से ग्रस्त रुग्ण मानसिकता वाले पात्र के रूप में चित्रित नहीं किया है। इसी तरह दर्शन शास्त्र के जटिल तर्क प्रणालियों से भी उसका व्यक्तित्व प्रचालित नहीं है। वसुधा के मन का अंतरंग और उसकी दार्शनिकता उसके चरित्र या व्यवहार में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, इसके फलस्वरूप वह कोई असामान्य अजनबी पात्र नहीं बन जाती है। उसका सहज और नैसर्गिक रूप आदि से अंत तक बना रहता है, उसमें कोई गंभीर विकृति दिखाई नहीं देती। इस प्रकार एक विशेष तरह के निजी मानसिक संकट से गुजरने के बावजूद वसुधा का चरित्र मनोविज्ञान या दर्शन के कतिपय असामान्य लक्षणों का शिकार नहीं हो पाता है। यह लेखिका की एक उपलब्धि है। वास्तव में वसुधा की स्त्री पुरुष संबंध विषयक जीवन दृष्टि में एक प्रकार की रोमानियत दिखाई पड़ती है और यह उसके चरित्र का खास हिस्सा है। स्त्री और पुरुष के संबंधों के बारे में उसके विचार कुछ खास प्रकार की मानसिकता के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस संबंध में जैसा कि गोपाल राय का कथन है कि वसुधा परंपरागत संस्कारों के दबाव और अपनी मानसिकता के भंवर में दबी हुई थी। वह प्रियानुभूत की निजता से सराबोर है। यहाँ इस प्रश्न पर जरूर विचार करना चाहिए कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे एक पढ़ी लिखी समझदार स्त्री की मानसिकता परंपरागत संस्कारों के दबाव में आ जाती है। यह और कुछ नहीं, हमारे समाज में स्त्री को स्त्रैण बनाने की सदियों पुरानी प्रक्रिया है। सिमोन द बोवर ने ठीक लिखा है कि स्त्री होती ही नहीं, वह तो बनाई जाती है। आखिर प्रेमचंद के गबन की चंद्रहाल के प्रति विकट रूप से लालायित नायिका जालपा जैसी स्त्रियां कैसे बसती है। बचपन से ही उसे पढ़ लिख कर महान बनने के स्थान पर शादी में चंद्रहार प्राप्त करने के सपने दिखाए जाते हैं और उसके जीवन का सर्वोत्तम प्राप्य और लक्ष्य चंद्रहार बन जाता है। जालपा के आसपास की स्त्री समाज की यही सोच होती है। इस तरह वसुधा भी अपने सामाजिक परिवेश से अपना अंतरंग गढ़ती है। 25 वर्ष से नमक न खाने वाली विधवा बार बार अपने पति की चिता में जल जाने को उद्धत स्त्री तथा स्वयं अपनी माँ की स्थिति को देख कर अगर उसके मन में एक पवित्रता जैसी रोमानी भावना उद्भूत होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उसके समाज ने उसे यही दिखाया और सिखाया है, जहां एक बिंदु पर आकर जीवन की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। स्त्री जीवन लगभग निहितवाद का शिकार बनकर निराशावादी, बोझिल, नीरस और एकांतिक बन जाता है। वसुधा के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए प्रगतिशील और रैशनल रूथ की बातें उसके लिए आसानी होती है। उसका मन उससे विरक्त होकर बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। रूथ कहती है, जानती हो, बड़े से बड़े दुख से निकलने का रास्ता हमारी कल्चर है। तुम लोग लेकर बैठ जाते हो, शहादत का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। सारी हिम्मत सहने के लिए क्यों, जीने के लिए क्यों नहीं? वह भी क्या छोटा चैलेंज है?
बल्कि एडवर्सिटी से निकलने के लिए तो कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। वन नीड्स मोर रेजिस्टेंस, मोर लाइफ फोर्स। बैठ रहने या समझौता कर लेने में कोई बड़ा चैलेंज है? रूथ की इन बातों की प्रक्रिया में वसुधा की सोच को देखा जाना चाहिए। अब अपने मिट्टी के विरुद्ध जाना, अपने गठन के भी आगे निकलना कैसे कर सकता है कोई? निर्मम लगा करती थी रूथ की बातें, निष्ठा से रहित। वह चाहे अपने को जीवन के प्रति कितना भी निष्ठावान या अपने रवैये को कितना भी रसनल समझे, सहज नहीं होता था उसका दुस्साहस। इसी देश के अन्न पानी पर रहते हुए यहीं की मान्यताओं की ऐसी तैसी करने में लगे रहना तन बदन फूटने लगता है। इस संबंध में गोपाल राय की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। एक संवेदनशील स्त्री के लिए द्वितीय सहयात्री या पद के चुनाव का प्रश्न मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उतना आसान भी नहीं है। राजी सेठ की औपन्यासिक कृति तत्सम की नायिका वसुधा का संघर्ष अपनी निजी भावनाओं को आजीवन अक्षुण बनाए रखने की ललक के बरक्स जीवन की व्यावहारिकता के चुनाव के अंतर्द्वंद में पिसती हुई स्त्री का आत्मसंघर्ष है। इसलिए उसका यह संघर्ष बहुत कुछ आंतरिक है और उसके मानसिक उथल पुथल का कारण है कि पति निखिल की अकाल मृत्यु के बाद पुनर्विवाह के लिए उस पर पड़ता हुआ पारिवारिक दबाव। उसके प्रगतिशील भाई शरद और भाभी उसे व्यवहारिक बनने की सलाह ही नहीं देते, दबाव भी डालते हैं। शरद का कहना है कि इतना विवेक तो पक्षियों में भी होता है कि एक जगह घोंसला तोड़ दो तो दूसरी जगह बनाने बैठ जाते हैं। भाभी अनुभव करती है कि आजकल की तरह मर्दों की दुनिया में रहना पड़ता तो पता लगता कि भेड़ियों के बीच रहना कैसा होता है। हर वक्त नोचने को तैयार बैठे रहते हैं, कहाँ तक अपने को बचाते फिरो। फिर इसका भी क्या भरोसा कि अपना ही पैर हर जवान और खूबसूरत विधवा के साथ यही संशय जुड़ा होता है कि वह कहीं उसके पैर बहक न जाए और घर की इज्जत आबरू का कबाड़ा ही न करते। वसुधा उसके हित के लिए कही गई भैया भाभी किस तरह की है इनकी हित चिंता? माथे पर पड़े सिंदूर की तरह पोंछ डालना चाहते हैं निखिल के साथ जुड़ा जीवन खंड, जैसे कि पेंसिल से लिखी गई थी वह हमारी सारी इबादत इबारत रंग लिया और मिटा दिया। अपने भैया भाभी की व्यवहारिकता पर व्यंग करती हुई वह कहती है, तुम लोगों के लिए तो मरते ही दूसरे के अंदर से भी मर जाता है इंसान। वसुधा अनुभव करती है कि विधवा होते ही दुनिया का कोण बदल जाता है। यह दुनिया हर पल दया करुणा बेचारगी की टोकरी को उसके सिर पर औंधा कर देने को तत्पर रहती है। सभी उसके हित सहानुभूति और सलाह देने लगते हैं। इस सलाह के पीछे वही पुंसवादी स्त्री मूल्यों का भी भय ज्यादा दिखाई देता है, स्त्री की हित चिंता कम दिखाई देती है। किसी को उसे इस भेड़िया समाज से बचाने की चिंता है तो किसी को उसे अनैतिक कर्म की संभावना से उसके मन और उसकी भावनाओं की चिंता किसी को नहीं। जिस निखिल को वह सच्चे हृदय से प्रेम करती थी उसे वह कैसे भुला सकती? वह कैसे कहे कि जीवन साथी का बिछोर जूता टूट जाने पर नया जूता ले आने जैसा है, या घड़ी बिगड़ जाने पर दूसरी घड़ी खरीद लेने जैसी बोध नहीं है। जूता टूट गया दूसरा ले आओ, घड़ी बिगड़ गई दूसरी खरीद लो, कपड़ा फट गया दूसरा सिलवाओ, और यह जीती जाती जिंदगी। एक पति के मरने पर दूसरे पुरुष के साथ विवाह का विचार उसे बड़ा अटपटा लगता है। यह जिंदगी ही है काट का कोई शहतीर, जब जहां चाहा काट दिया गया, एक टुकड़ा चिता के साथ धड़कने के लिए रख दिया, दूसरा नई इमारत की पहली चौखट में जड़ देने के लिए रख लिया गया। वसुधा के हित चिंतक और अपने होने का दावा करने वाले लोग उसके मन के भीतर झांकने का प्रयत्न नहीं करते। उन्हें क्या पता कि निखिल को आम खाने का शौक था, जो आम देखने तक इच्छा नहीं होती। मीठे चावलों पर लट्टू था तो मुझे निषिद्ध कर गया है कोई, आलू का भुरता, आंवले की चटनी, पुल के नीचे का निर्जन रास्ता, पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन, युद्धों के कथानक पर बने चलचित्र, छुटपुटे की बेकरी, भूरे चिकने कंबल की गरमाई, कौन है जो इन सबको छूने जाती उंगलियों की बोरों को शून्य कर देता है? एकाएक कोई तो है भीतर, कोई तो।
जाहिर है कि वसुधा के भीतर निखिल ही निखिल है, उनकी स्मृतियां ही स्मृतियां हैं। वह जानती है कि स्मृतियों के सहारे जीवन नहीं चलता और निखिल जमीन नहीं है, यथार्थ नहीं है, निखिल स्वप्न है, स्मृति है, अनुपस्थिति है, प्रार्थना है, अभाव है, पूर्ण अभाव। वह इस पूर्ण अभाव के साथ ही संतुष्ट है। अपनी स्थिति के लिए उसके मन में बदलाव की न चेष्टा है न इच्छा, पर लोगों को उसकी कहां परवाह। एक के बाद एक वर की तलाश की जाती है। ये योग्य वर सिर्फ अपना स्वार्थ लेकर आते हैं, सौदा करते हैं। स्वयं वसुधा के शब्दों में नाम अलग अलग है, लोग वही के वही। एक आए थे, उन्हें बच्चों की मां चाहिए, दूसरे को तगड़े वेतन वाली कमाऊ औरत। उन्हीं में से एक को निवृत्ति के बाद कार्टून जींस की जरूरत थी और किसी एक को अपनी देह की चुप्पी को आजमा लेने की हौस। इस पूरी प्रक्रिया में अपने को सजा सजा कर परोसे जाने की लज्जा उसे आत्मघाती लगती है। लोग आते हैं, जाते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, कोसते हैं, लहूलुहान करते हैं, और तो और अपनी पुरुष प्रभु सजगता में फैसले का अधिकार भी अपना ही समझते हैं। क्यों ना हो, नियत के पेड़ से अधपके फल की तरह टूटी वसुधा के लिए उतनी उदारता तो जरूरी है। उसकी ओर से मना कर दिए जाने पर कितनी आहत सी दिखती है आत्मघोषित श्रेष्ठता की उनकी छवि। राजेंद्र यादव की मान्यता है कि राजे सेठ की कथा रचनाएं पुरुष द्वारा स्थापित नैतिक मान्यताओं और लक्ष्मण रेखाओं को चुनौती देने से प्रायः कतराती और उसी दिए गए स्पेस में अपनी सार्थकता तलाश करती है। दार्शनिकरण की मुद्रा यहाँ तत्सम के संदर्भ में यह कथन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। वसुधा अपना मार्ग स्वयं तय करती है। उसे तलाश थी एक ऐसे पुरुष की जो उसे सम्मान, अपनत्व, साहचर्य, प्रेम, संरक्षण, सुरक्षा, सेवा, मित्रता सब एक साथ दे सके। इसके विपरीत उसके हितैषियों को उसे शीघ्रता से किसी खूंटे में बांध दिए जाने की जल्दी थी। इसमें वसुधा के मन में घोर विरक्ति की भावना जगने लगती थी। क्यों? पर क्यों? भीतर कुछ तपने लग गया है। किस लिए जरूरी है किसी ने किसी के गले में बांध देना? बैल के गले में पड़े लक्कड़ के लटकेपन को सार्थकता समझने की हट करना, क्या वही एक समाधान? वही एक पगडंडी, वही उद्देश्य है जीवन का अंतिम। किसी को भी उसके मन के को समझने की आवश्यकता नहीं थी, किसी ने उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए वह दुखी और निराश थी। लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में उसकी मन स्थिति का वर्णन किया है। कोई तो ऐसा लगे जिसे देखकर जीने की उत्कंठा मन में जागती हो, जिसके सत्व को मुट्ठी में भींच लेने का जी चाहे। विवेक वह पुरुष है जिसे देखकर वसुधा के मन में ऐसी भावना जग जाती है। विवेक अन्य पुरुषों की तरह लोलुप नहीं है, उसमें यथोचित शालीनता और शिष्टता है। इसका अच्छा प्रभाव वसुधा पर पड़ता है। भली लगी है यह सहजता, एकदम घरेली सी आत्मीयता, कोई हड़बड़ी नहीं, उछाल उबाल नहीं, कोई अभद्र जिज्ञासा नहीं, कोई बहुत निजी बात नहीं, एकांत का कोई आग्रह नहीं, प्रश्नों की कुल्हाड़ी हाथ में नहीं। जिस प्रकार की संवेदनशीलता वसुधा में थी, वही संवेदनशीलता विवेक में थी। संबंधों में जो आत्मीय समर्पण, निष्ठा और प्रतिबद्धता वसुधा की दृष्टि में आवश्यक थी, वह विवेक में थी। भाव और विचारों में ही नहीं, जीवन जगत परिस्थितियों में भी विवेक वसुधा की तरह का ही जीवन जी रहा था। वसुधा विवेक से पूछ बैठती है, क्यों चुप्पी रहती है घर में? इस पर शंकर विवेक का प्रश्न पूछ सकता है, यह उत्सुकता है मेरे बारे में या किसी चटपटे किस्से को जानने का चाव? इस प्रकरण की पंक्तियां दृष्टव है। चोट अचूक थी, अशिष्ट भी घायल करती चली गई। किस्सों में जीने वालों को जरूर होता होगा ऐसा चाव, असली जिंदगी में तो अलाव ही जलते थे। अभी पता नहीं कितने अंदर आवाज थरथरा गई पूरी तरह। आपको कैसे मालूम? वह धार पर चमकती तेजी बुझ सी गई। कैसे मालूम अलाव भीतर जलते हैं? खूब मालूम। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसमें खपच्चियां आम की हों या अरहर की? किस तरह का दर्द किसी के लिए संविधा बने? संबंधों को लेकर विवेक द्वारा बढ़ती गई ईमानदारी
वसुधा को विवेक के प्रति आकर्षण का कारण बनती है। अपनी स्वर्गवासी प्रेम का श्रीन को याद करते हुए वेद कहता है, मैं कहता हूँ मैं वह नहीं हूँ श्रीन को उसके हवाले कर देने वाला, आप ही बताइए मिट्टी में गाड़ देने से सब मिट्टी हो जाता है क्या? शरीर ही सब कुछ होता है, मन कुछ नहीं होता। इस प्रकार सोच के स्तर पर वसुधा विवेक को अपने करीब पाती है। जिस अतीत के भंवर में फंसी हुई वसुधा थी उसी अतीत में भटकते विवेक से वह कहती है, उस निर्विकल्प नियम के विरुद्ध तुम नहीं जा सकते, इच्छा अनिच्छा में तय नहीं कर सकते उसके होने न होने के बीच का फर्क, उतना स्वैच्छिक नहीं है विधान इस धरती का, होता तो वह सब कुछ कैसे हो पाता जो मेरे अपने साथ हुआ, मैं भी तो वहीं खड़ी थी उन्हीं पड़ावों पर, अतीत अभाव में वर्तमान रिक्त भाव में भविष्य अनिश्चित, मेरी भी वैसी थी यात्रा तुम्हारे समान तत्सम। आगे भी वह विवेक से कहती है, क्या तुम्हें भी पता है विवेक यह जो कुछ भी मेरे भीतर जागा है यह सब कैसे हो सका, तुम्हारे सानिध्य में मैंने इसे कैसे पा लिया, तुम्हारे और अपने चारों ओर घिरे अंधेरे के बावजूद इसे पा लेने पर लगता है अंधेरा कुछ भी नहीं होता, होता है प्रकाश का अभाव, उजालने वाली उठाने वाली अलगाने वाली शक्ति का अभाव। विवेक को सामने पाकर वसुधा के जीवन में आशा की एक किरण जगती है, वह अनुभव करती है क्या वह उसी देह में उसी मन में है जो आजन्म स्मृतियों के सहारे जी सकने के परितोष में स्थित हो गया लगता था, क्या वह वही है जिसे इतनी तीखी लगा करती थी भैया भाभी की बातें, लगता था निखिल को कोसते रहते हैं हरदम, स्मृतियों की निधि को बेरहम यथार्थ के हथौड़े से कूट डालना चाहते हैं पूरी तरह, परंतु वह अपने आप से भी सवाल कर बैठती है, क्या निखिल के साथ जिया हुआ जीवन सब अर्थों में चुकी या ध्यातव्य है वसुधा अपने अतीत से समय समय मुक्त की ओर अग्रसर होती प्रतीत होती, कौन नहीं जानता निखिल जमीन नहीं है यथार्थ नहीं है निखिल स्वप्न है स्मृति है अनुपस्थिति है प्रार्थना है अभाव है पूर्ण अभाव। कहने की आवश्यकता नहीं कि विवेक वसुधा के अतीत से मुक्ति का कारण और माध्यम बनता है। यद्यपि इस उपन्यास के नायिका वसुधा केंद्रित है पर इसमें दो महत्वपूर्ण पुरुष पात्र भी जिन पर विचार किए बिना न तो उपन्यास के नामकरण के और चित्त को सिद्ध किया जा सकता है और न उसके अभिष्ट को स्पष्ट किया जा सकता है। ये दोनों संवेदनशील पात्र हैं विवेक और आनंद। निखिल की स्मृतियों में बद्ध वसुधा की एकांत और अंधकारमय दुनिया में प्रयुक्त दोनों पुरुष ही वो गवाक्ष खोल पाते हैं जिससे उसके जीवन में एक वैकल्पिक जीवन की ज्योति जल उठती है। वसुधा के ठहरे हुए जीवन जल में कंकड़ के समान इनका प्रवेश उसके हृदय में फिर से उन भाव उर्मियों को जगा पाता है जिससे वह अपने जीवन को एक नया मोड़ देने के बारे में सोचने लगती है। अंतर विश्वविद्यालयी समारोह दिल्ली में फिर से जब दोनों मिलते हैं और विवेक अपनी पीड़ा प्रकट करता है तो वसुधा महसूस करती है सही मायने में वही है जो विवेक के मन को समझ सकती है। घायल की गति घायल जाने विवेक का यह कथन उसके अंतर्मन में बैठ जाता है। विवेक की पीड़ा इसके अंतर्मन को छू लेती है और भावावेश में डूबे विवेक के लौट आने की आशा में वह निश्चल बैठी रही। परित के बाहरी कगार पर प्रतीक्षित यहाँ परित की कगार वाली उपमा बहुत अच्छी बन पड़ी है क्योंकि विवेक के बुने हुए संसार में उसका प्रवेश नहीं हो पाता। विवेक स्वयं से मुक्ति नहीं चाहता किसी परिस्थिति में भी नहीं चाहता। वह कहता है जिस दिन चाहूंगा अपने आप को भी क्षमा नहीं करूंगा। जाने अनजाने में विवेक द्वारा मिली उपेक्षा से दुखी वसुधा के दक्षिण भारत की यात्रा पर निखल जाती है। संतरास घुटन अकेलेपन से मुक्ति और शांति की खोज में वह भटकती हुई कन्याकुमारी होते हुए बंदी पर पहुंचती है। बंदीपुर के एक कॉटेज में विषाक्त भोजन करने से उसे डायरिया हो जाता है। यहीं पर उसके जीवन में दूसरे पुरुष आनंद का प्रवेश होता है। आनंद विवेक की तरह अंतर्मुखी नहीं है, वह जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखता है। वसुधा महसूस करती है
सब कुछ आत्मविश्वास से भरा, अपनी उठान अपने पैरों पर सीधी सदी हुई, बातें ऐसी जैसे कोई पत्तों को भूल कर जड़ों को पानी पिलाता दिया। न किसी बात का दबाव, न याचना, न करुणा का उद्रेक, न मां का तनाव, निर्मोह निरावलंब स्थिरता, हर बात जैसे अपने को खोलने की एक अगली कड़ी। वसुधा और विवेक की तरह आनंद का अतीत भी तत्सम है, दुखों से भरा हुआ। उसकी प्रेमिका निम्मी उसे छोड़कर दूसरा विवाह रचा लेती है और सारा का सारा दोष आनंद पर डाल देती है। वसुधा आनंद से पूछती है, इन बातों का बड़ा दुख होता होगा। इसका उत्तर देते हुए वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी की सारी कश्मकश अपने दर्दों से आगे चल निकलने की है? दर्द के साथ क्षण प्रतिक्षण इम्पर्सनल होते जाने की, या कहो कि अपने दर्द के साथ अकेला छूटते जाने की ट्रेजेडी से बच पाने की है। आनंद द्वारा वसुधा से प्रेम निवेदन करने पर वसुधा आनंद को एक छोटा सा पत्र लिखती है, नहीं जानती मुझे क्या तय करना है। तय कर पाने की आखिरी सीमा मेरे लिए किसी निर्णय को छू पाना नहीं, परंतु उस भरोसे को गंवा चुके होना ही मेरा सीमांत है। अंतर्द्वंद्वों में घिरी वसुधा लिखे गए पत्र को फाड़ कर फेंक देती है। वह महसूस करती है विलुप्त हो गई उलाहने की कलमश, आहत अपमानित हुए होने की मैली सनी पीड़ा, साथ ही पीड़ा की नवर में कह गई सड़ावन की काली स्मृति, क्षमा, अपने को भी क्षमा, बेगाने को भी क्षमा, अपनी लावारिस हो गई जिंदगी के सफर को पूरा करके और आनंद को घर आने का निमंत्रण देकर उन्मुक्त मन से जब वो लखनऊ अपने घर पहुंचती है तो वहां उसे विवेक द्वारा भेजे गए तीन पत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें विवेक वसुधा के प्रति किए गए व्यवहार के प्रति लज्जित होता है। वसुधा को लिखता है, जो शून्य तुम छोड़ गई हो वह अब तक के जाने हुए महाशून्य से ज्यादा सच, ज्यादा सर्वराशी है। उसमें एक चेष्टा है, एक अर्ज, एक मांग किसी साक्षात सशरीर सच्चाई को छू सकने की अदम्य व्याकुलता। आगे वो लिखता है, यूथ फेस्टिवल में तुम्हारा आना मेरे लिए कायाकल्प था, जीवन का अलभ्य आह्वान। विवेक को लगता है अतीत की कब्रगाहों में बंधक पड़ी जिंदगी को जीवन की पुकार मिल गई है और उस जीवन को सार्थक बनाने के लिए उसे वसुधा का साथ चाहिए। चाहती यही हूं कि मुझे सदैव भाव से चाहे लेना, दया भाव से नहीं, नहीं अपने उखड़े पुखड़े जीवन को समझौता मुझे समझना, तुम्हारे शब्दों का प्रत्युत्तर मैं बन पाऊं तो ही मुझे स्वीकार। वसुधा अनिश्चय की स्थिति में विवेक द्वारा भेजे गए पत्रों को आनंद के पास भेज देती और उसका निर्णय जानना चाहती। आनंद वसुधा के प्रत्युत्तर में लिखता है, तुम चाहती हो कि यह जान समझकर मैं तुम्हें स्वयं ही मुक्त कर दूं या अपने को समेट लूं? चाहे मुक्त जैसी चीज कोई किसी को नहीं दे सकता, उसे स्वयं अर्जित करना पड़ता है अपने भीतर से। वैसे ही जैसे बंधन भी कोई किसी को नहीं दे सकता, वह भी बंधन के प्रति अपने स्वीकार से ही पैदा होता। वसुधा अपने अंतिम पत्र में जो विवेक को लिखती है उसमें वह स्पष्ट कर देती है कि राजीव ने जो कुछ कहा है वह सच है। इस प्रकार वसुधा परंपरित अनाचारों को सहती एकदम घरेलू नारी होने के स्वीकार से परहेज करती है। उसे तो अपना अस्तित्व बचाना था, सो बचा लिया। वह भारतीय संस्कारों में रहकर भी आधुनिक प्रदर्शील स्त्री का प्रारूप दे जाती है, जिसमें नारी का मन, मान सम्मान और अधिकार समूचा का समूचा सुरक्षित है। एक भटकन के बाद उसे यह सब प्राप्त होता है। भाभी उसे इस भटकन से रोकना चाहती है, परंतु न उसका मन मानता है और न मस्तिष्क। वह अपने अस्तित्व को प्राप्त करके ही सुखी हो सकती है। आनंद की ईमानदारी और उसकी घर के प्रति आसक्ति वसुधा को एक ठिकाना दे जाती है, जिसमें उसका सत्य विभूषित है चरम सत्य। एक स्थिति थी जब वसुधा को घर सड़ियल लगते थे और अंत में इसी घर में आने का निमंत्रण वह आनंद को सगर्व देती है। अपने स्पष्ट दर्शन, अपने आप के प्रति ईमानदारी व अपनी दूरदर्शिता के कारण ही वसुधा उस दक्षता को प्राप्त हो जाती है, जिसमें से एक ऐसा अंत निकलता है जो सामने बैठे पुरुष की उष्मा, उष्णता
ईमान, सत्य, प्रेम, लगाव आदि को एक वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ पढ़ नाप सके, उसे वास्तव में तत्सम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार उसकी स्वाभाविकता की खोज संपन्न रूपेण फलीभूत होती है। कहा जा सकता है कि वसुधा अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं अपने मन के अनुकूल करती है और स्त्री का यह अधिकार वह किसी भी कीमत पर अक्षुण रखना चाहती है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि राजी सेठ का उपन्यास तत्सम वसुधा के माध्यम से एक ऐसी स्त्री की तथा कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसकी समस्याएं उन परंपरागत समस्याओं से कुछ अलग हटकर है, और इसी बहाने से वसुधा के बहाने से स्त्री मनोविज्ञान का एक अलग रूप हमारे सामने आता है। निसंदेह समकालीन दौर के रचनाकारों में राजी सेठ का एक प्रतिष्ठित नाम है और उनका उपन्यास तत्सम स्त्री को, उसके मनोविज्ञान को, उसके विमर्श को एक नए धरातल पर हमारे सामने प्रतिष्ठित करता है, और इस तरह से उनका यह उपन्यास एक नए तरीके से नई दिशा में सोचने के लिए विवश करता है।